बस स्टैंड हमीरपुर में खोखा धारकों ने स्थानांतरण को लेकर जिला प्रशासन की कार्यवाही के मद्देनजर बैठक की। करीब 58 खोखा धारकों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि उन्हें इस स्थान से हटाना ही है तो बनाई दुकानों का आकार थोड़ा बढ़ाया जाए। बाल खेल मैदान में बैठक खोखा मार्केट के प्रधान किशोरी लाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई। जिला प्रशासन ने इस भूमि की पैमाइश की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि 1980 में इन खोखा धारकों को नगर परिषद ने ये खोखे अलॉट किए थे। वे इन खोखों से परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। बाल खेल मैदान में बनी दुकानों में स्थानांतरण से उनका कारोबार पूरी तरह से प्रभावित होगा। इन दुकानों का साइज भी कम है। जो हमारी 1990 अब 1980 की दुकानें बनी हुई है, तो कोई 1985 से हमें पीछे बसाने की लाइन में बात हुई थी। पहले जितनी भी सरकार आई धूल साहब के टाइम में नक्शे बने हुए हैं कि आपको पीछे दुकानें बड़ी बड़ी बनाकर देंगे और एक ही लाइन में बसा कर देंगे और अगली सड़क जो है वो चौड़ी करके वहाँ फुटपाथ बनाया जाएगा। लेकिन अब प्रशासन ने स्टेडियम बनाया है, पहले तो ये जो थी दुकानें बनाई थी उस वक्त, तो वो इसलिए बनाई थी ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। लेकिन अब प्रशासन का कहना है कि ये जो दुकानें बन रही हैं, बनी है पीछे, इन्हीं में आप लोग जाओ, जबकि हमारी मांग तो यही है प्रशासन से और अपनी सरकार से कि हम एक ही लैंड में शिफ्ट करके एक ही जगह बसा दी जाए। जब धूमल जी की सरकार थी तो उस वक्त एक प्रपोजल बनी थी, उसमें हमसे 50,000 रुपए लिए थे और पक्की दुकानें बनाकर देनी थी। लेकिन जब दूसरी सरकार आई थी तो उन्होंने प्रपोजल बंद कर दी थी और हमारे 10,000 रुपए काटकर 40,000 रुपए हमें पास कर दिए थे। तो अभी संघर्ष करेंगे, प्रशासन से मांग करेंगे कि हमें रोजी रोटी के मद्देनजर रहते हुए, गरीब लोग हैं, इतने लोग बैठे हुए हैं, तो उनके एक लाइन में बनाकर हमें बनाकर दे दी जाए। अपनी दुकानें पहले दुकानें थी ना, वो 6 फुट की हैं और 8 फुट की हैं। अब जो हमें नई दुकानों में शिफ्ट कर रहे हैं उसका साइज जो है 4.5 फुट है। जो हमारे काउंटर हैं, जब हमारा छोटा जो कारोबार है वो उसमें एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो हमें इसके अगेंस्ट संघर्ष करेंगे। तो अभी